अजमेर के क्रिश्चनगंज थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बताया कि 5 सालों से शादी का झांसा देकर एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जब उसने शादी की बात कही तो वह फरार हो गया। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। हाँ, किशनगंज में एक मुकदमा आया है। एक लेडी ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका मेन कंटेंट यही है कि जो मेल है उसके साथ उसकी काफ़ी लंबे टाइम से वो शादी का झांसा दे रहा था और अब वो किसी और लड़की के साथ जो है वो भाग गया है, तो जिसके ऊपर 376 का मुकदमा रजिस्टर करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। ये उसके साथ जो लड़का रह रहा था उसके साथ में रहेगा, ताकि कंटेंट्स ना जाए, हम भी उनको पकड़ना चाहेंगे, इसलिए नाम में डिस्क्लोज दोनों के ही नहीं कर रहे हैं।